दिस चैप्टर विज नेवर बी क्लियर इन योर माइंड ओके सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो सो जो चैप्टर नेम इज़ मनी एंड बैंकिंग उसमें हम मनी का जो फर्स्ट टॉपिक है बार्टा सिस्टम वो पढ़ने वाले हैं सो वाट इज बार्टर सिस्टम अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए क्या पुराने टाइम में भी मनी होता था अफकोर्स नोट पुराने टाइम में मनी नहीं होता था तो अब आप ये सोचिए कि हम अपने वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे बिकॉज ऐसा तो नहीं था कि पुराने टाइम के लोगों के पास सब कुछ था जो भी उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ तो उन्हें कहीं से लेना पड़ता होगा ना सपोज आई एम हैविंग वीट बट आई एम नॉट हैविंग राइस तो मुझे राइस चाहिए तो मुझे राइस कैसे मिलेगा मनी तो नहीं है तो उस टाइम पे क्या होता था गुड्स एक्सचेंज होते थे और आई होप ये तो आपको बहुत ही पहले से पता होगा बार्टा सिस्टम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि सपोज मेरे पास वीट है और आपके पास राइस है आपको राइस चाहिए और मुझे वीट चाहिए तो हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे ओके okay? सो so, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम इफ़ वी डिफाइन इट इन इंग्लिश सो इट इज़ अ सिस्टम वर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स कॉल्ड द बार्टर सिस्टम जिस सिस्टम में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के ही लिए उसको बाटर सिस्टम कहा जाता है ओके okay? अच्छा अब आप एक, एक बात बताइए मुझे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास राइस है मेरे पास व्हीट है तो हमने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया बट वो क्यों किया क्योंकि आपको व्हीट चाहिए था और मुझे राइस चाहिए था बट सपोज द सिचुएशन हैपन्स वेन यू डी डेंट वॉन्ट वीट बट आई वॉन्ट राइस विल यू गिव मे और राइस ऑफकोर्स नॉट आप कहोगे कि मुझे तो व्हीट चाहिए ही नहीं तो मैं अपने राइस तुम्हें क्यों दूँ सो मीन्स टू से सेट वाटर सिस्टम ओनली वर्कस इफ बोथ द पार्टीज एग्री टू बाय एंड सेल इच अदर गुड्स एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ एग्रींग बाय द बोथ पार्टीज इज़ नॉन एज डबल कॉन्सीडेंस ऑफ वॉन्ट कि आपको भी एग्री होना पड़ेगा अपना गुड लेने के लिए और मेरा गुड आपको चाहिए ऐसा भी होना चाहिए कि आपको वीट चाहिए और मुझे भी राइस चाहिए अगर मुझे राइस नहीं चाहिए तो मैं अपने वीट आपको क्यों दूंगी ओके okay? तो मीन्स दोनों पार्टी को एग्री होना पड़ेगा अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती है तो वाटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा सो दिस प्रॉब्लम इज नॉन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट सो वी कैन से दैट वाटर सिस्टम ओनली वर्कस वेन देयर एग्जिस्ट द डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स और आज के टाइम में देखिए आपको लगता है डबल कॉन्सीडेंस ऑफ वांट हो सकता है बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में मुझे तो लगता नहीं है कहीं पे होगा अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा उसकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा यूज होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट नहीं हो सकता है क्योंकि आज के टाइम में जब से मनी आया है इफ़ आई इफ आई सेड यू दैट आई हैव अ पेन एंड यू गिव मी द चॉकलेट मेरे मेरा पेन फाइव रुपीज़ का है आपकी चॉकलेट ट्वेंटी रुपीज़ की है तो आप ये बोलोगे अभी आप अभी मनी है ना उस टाइम पे तो मनी नहीं था बट अभी तो हमें पता है तो अभी भी आप अपनी चॉकलेट मुझे नहीं दोगे आप कहोगे कि मेरी ट्वेंटी की है तुम्हारा पेन सिर्फ फाइव रुपीज़ का है ओके तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट इज़ वेरी रेयर इन टू डिस टाइम तो इतना समझ आया बाटर सिस्टम क्या होता है क्या होता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट अब एक टर्म और है हमारी एन बुक में दैट इज़ सी सी इकनॉमी वॉट इज सी सी इकनॉमी सी का मतलब है कमोडिटी ओके सो कमोडिटी टू कमोडिटी इकनॉमी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है बार्टर इकोनॉमी वाली इकोनॉमी जिसमें डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है व्हेन देयर इज नो मनी ओनली देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इकोनॉमी इज एज टर्म एकोनॉमी आई होप दिस इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज so, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम सो सबसे पहले जो लिमिटेशन आती है बार्टर सिस्टम की दैट इज प्रॉब्लम ऑफ़ डबल क्वाइंसिडेंस ऑफ वांट एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज डबल क्वांसिडेंस ऑफ वांट कि दोनों पार्टीज को एग्री होना कंपल्सरी है अगर एक के पास कोई सामान है तो दूसरे को सामान चाहिए हो जब भी तो वो अपना देगा ठीक है तो दिस प्रॉब्लम इज नॉन एज डबल क्वाइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट तो ये एक क्या हो गई लिमिटेशन हो गई बाटर सिस्टम की मीन्स इफ बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्री सो बार्टर सिस्टम के नॉट वर्क सेकेंड लैक ऑफ कॉमन ऑफ वैल्यू कि बार्टर सिस्टम में क्या था कॉमन मीजर ऑफ़ वैल्यू नहीं थी व्हाट इज़ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू कॉमन मीजर ऑफ़ वैल्यू एक ऐसी वैल्यू तुम बोल सकते हो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके जिसको एक तुम बोल सकते हो ना एक माध्यम मान के और सभी चीज़ों की वैल्यू फिक्स कर सके जैसे कि आज के टाइम में रुपीस है तो रुपीस को हमने एक सोर्स ले लिया कि ये रुपी है और रुपी से ही हम सब चीज़ों की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं कि अगर तुम फाइव रुपी दोगे तुम्हें ये पेंसिल मिल जाएगी तुम टेन दोगे तो तुम्हें पेन मिल जाएगा ठीक है बट उस टाइम पर मनी नहीं था इसलिए मीज़र ऑफ वैल्यू लैकिंग थी अंडर अ वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि आप खुद सोचो कि आपके पास टू के जी व्हीट है ठीक है टू के जी वेट है और मेरे पास है एप्पल्स अब कैसे पता चलेगा कि टू के जी वेट में क्या टू के जी एप्पल्स ही दिए जाएंगे एप्पल्स का ऐसा भी तो हो सकता है कि वीट का प्राइस ज़्यादा हो उस टाइम पे तो प्राइस नहीं होते थे बट आज के टाइम में अगर आप आज के टाइम के अकॉर्डिंग सोचो तो वीट का प्राइस ज़्यादा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एप्पल्स का प्राइस ज़्यादा हो तो ज़रूरी थोड़ी ही है कि टू के जी वीट से टू के जी एप्पल्स ही एक्सचेंज हो सकते हैं सो मीन्स देयर इज़ द लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू अंडरस्टूड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफिड पेमेंट डिफेड पेमेंट नहीं हो पाता था उस टाइम पे डिफर्ड पेमेंट क्या होता है डिफर्ट पेमेंट वो पेमेंट होता है जो हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं सपोज आप कहीं पे कुछ सामान खरीदने गए और सपोज वो टू हंड्रेड का है ठीक है बट आपके पास रिसेंटली हंड्रेड रुपीज़ है ओनली तो आप क्या बोलोगे शॉपकीपर को कि आई विल जस्ट पे यू इन फ्यूचर फ्यूचर ऐसे तो वो बोलेगा कि फ्यूचर में कब बड़े हो जाओगे जब जॉब लग जाएगी मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि बोल सकते हो कि मैं आपको शाम को दे के चले जाऊँगा या मैं आपको कल दे दूंगा ठीक है ऐसा हो सकता है या फिर आई विल आ, ऐसा भी हो सकता है चलो हंड्रेड रुपी तो कम है कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप हिंदी में बोल सकते हो कि उधार ले लेते हैं किसी से ठीक है कि हम एक महीने बाद हम दो महीने बाद आपको पैसे दे देंगे ठीक है बट उस टाइम पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं था अब पूछो क्यों क्योंकि उस टाइम पे तुम ये सोचो कि तुमने किसी से ले लिया क्या ले लिया चलो वीट तो बहुत हो गया अब ले लेते हैं कि सपोज़ तुमने किसी से एक हैन खरीदी ठीक है और उस हैन की कीमत उसने क्या बताई उस बंदे ने कहा कि इस हैन के बदले तुम्हें मुझे थ्री के जी एप्पल्स देने हैं ठीक है तो अब आ, अभी आपने क्या कहा कि आई विल पे यू इन फ्यूचर कि दो महीने बाद डिफर्ड पेमेंट करना है तुम्हें अब दो महीने बाद वो एप्पल्स सड़ गए या फिर वो एप्पल्स ख़राब हो गए या उनमें कुछ भी कमी आ गई तो तुम मुझे पे करने जा रहे हो अब वो बोले कि मुझे तो उसी क्वालिटी के एप्पल्स चाहिए जो तुमने उस दिन दिखाए थे जिस दिन तुमने मुझे हैंड ली थी सो मीन सच अ ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल अंडर अ पार्ट सिस्टम अब जैसे कि मेरे नोट्स में भी एक एग्जाम्पल लिखा है कि सपोज़ तुम किसी से लोन तुमने किसी से लोन लिया ठीक है तो तुम किसी से जब तो लोन लोगे तो जब भी तुम एक महीने बाद दो महीने बाद एक साल बाद जब भी उसको चुकाओगे तो तुम्हें सिर्फ वो जितने का लोन लिया था सपोज तुमने फाइव थाउजेंट का लिया तो तुम्हें सिर्फ वो फाइव थाउजेंट ही नहीं देने हैं साथ में तुम्हें इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा ठीक है और अंडर अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वैन देर इज़ नो मनी ओनली यू आर हैविंग सच गुड्स विच डज़ नॉट पोज ड्यूरेबिलिटी सो उस सिस्टम में जो डिफर्ड पेमेंट है वो पॉसिबल नहीं था नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास सपोज uh, अभी आज के टाइम में जब हमारे पास मनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी मतलब इनकम है इनकम का कुछ पार्ट सेव करके रखते हैं राइट right? तो उसको हम सेव करके कैसे रखते हैं वी कैप्ट मनी एज अ वेल्थ ओके बट उस टाइम में वो पॉसिबल नहीं था हम क्यों रख पा रहे हैं उसे क्योंकि अगर आपने आज आपकी सपोज घर इनकम आई तो इनकम में से तुमने फाइव हंड्रेड सेव करके रख लिए तुम अगर उसे एक महीने बाद एक दो महीने बाद पाँच महीने बाद एक साल बाद जब भी यूज़ करोगे तो वो फाइव हंड्रेड का जो नोट था वो फाइव हंड्रेड का ही रहेगा आगे भी अभी भी उसकी वैल्यू फाइव हंड्रेड थी आगे जाके भी उसकी वैल्यू फाइव हंड्रेड ही रहेगी बट बाटर सिस्टम में मनी तो नहीं था गुड्स थे पैरिशेबल गुड्स वॉट आर द पैरिशेबल गुड्स पैरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स जो जिसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं अब उस टाइम भी तुम्हारे पास है बनानास तुमने सोचा कि आज ये बनाना मैं खर्च नहीं करूँगा क्या पता मुझे फ्यूचर में कुछ खरीदना पड़ता है बनाना की हेल्प से तो तुम क्या करोगे उस बनाना को स्टोर करके क्या रख सकते हो ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज कुछ टाइम बाद बनानास खराब हो जाएंगे तो मीन्स देर इज़ अ लैक ऑफ स्टोर ऑफ़ वैल्यू सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि वॉट इज बार्टर सिस्टम वॉट इज सी सी इकनॉमी एंड वॉट आर द लिमिटेशंस एक बार इसको रिपीट कर देते हैं उसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी तो हमने क्या डिस्कस करा बाटा सिस्टम क्या होता है जिसमें हम एक गुड को खरीदने के लिए दूसरे गुड को एक्सचेंज करते हैं सपोज यू आर हैविंग वन गुड एंड द अदर पर्सन हैविंग द अदर गुड तो आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लोगे अपने गुड्स को ठीक है फिर हमने पढ़ी सी सी इकोनॉमी कौन सी होती है जिस इकोनॉमी में ये गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स होते हैं उसको ये हम सी सी इकोनॉमी बोलते हैं फिर हमने पढ़ा डबल को की प्रॉब्लम क्या होती है तो उसमें हमने पढ़ा कि दोनों पार्टीज़ को एग्री होना पड़ेगा तभी ये ट्रां तभी ये एक्सचेंज हो सकता है तभी ये ट्रांजेक्शन हो सकता है ठीक है होती है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट फिर हमने लिमिटेशंस पढ़ी कि सबसे पहले लिमिटेशन डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट ही हो गई दूसरी हो गई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कि क्योंकि हम किसी भी कमोडिटी से हर एक कमोडिटी के प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते हैं दूसरे स्टैंडर्ड ऑफ डि पेमेंट कि हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज सभी गुड्स ड्यूरेबिलिटी पोज़ेस नहीं कर सक नहीं करते हैं और कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्टोर ऑफ़ वैल्यू कि हम स्टोर करके नहीं रख सकते आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू सो थैंक यू सो मच फ्रेंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर